वहां तक आवाज जानी चाहिए कि पूर्व स्थली में डॉक्टर गोवर्धन दास जाने के लिए भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे दोनों हाथ उठाइए, पीछे भी उठाए सभी लोग, दाई और उठाए, दोनों हाथ उठाइए, हेलीपैड पर भी उठाए लोग, और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ सभी लोग बोलो बाबा बूढ़ो राज की। अरे यार ऐसी आवाज कैसे चलेगी, फिर से और जोर से बोलिए बाबा बूढ़ो राज की। मंच पर मेरे साथ उपस्थित पूर्व स्थली के विद्वान और लोकप्रिय प्राणी डॉक्टर गोवर्धन दास जी, गोवर्धन दास जी आगे आइए, आप आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। सभी लोग गोवर्धन दास जी ताली बजाओ जरा, इनको जिताकर विधायक बनाना है हमारे सांसद सुनील मंडल जी, श्री कृष्ण घोष जी, दीपांजन गुहा जी, विधान घोष जी, सुप्रकाश मंडल जी, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री सावर धनानिया जी, श्री सुबल राव जी, विश्वजीत पोद्दार जी, सुकल्याण पाल जी, श्री सुबीर नाथ जी, श्री अशोक टाइगर जी, श्री मनीष पारी जी, श्री गोपाल चट्टोपाध्याय जी, गदाधर बारिक जी, विजय घोष जी, राजेंद्र शर्मा जी, और आज इस सभा में आए हुए इतनी प्रचंड संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, भाइयों, मैं जब आया हूं पूर्व स्थली पर, उस वक्त पूरे बंगाल में घूमते 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 आज मैं पूर्व वर्धमान जिले की पूर्व स्थली पर आया हूं। मैं जंगल मार्ग गया, सुंदरवन भी गया, कलकत्ते भी गया, सिलीगुड़ी भी गया, जलपाईगुड़ी भी गया, दार्जिलिंग भी गया, सब जगह घूमते 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 आज आया। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं मित्रों, 2 मई को दीदी निश्चित है, दीदी हारने वाली है। दीदी की विदा निश्चित है, 200 से ज्यादा सीटों के साथ की विदा निश्चित है, मगर मैं चाहता हूं कि दीदी की विदा में पूर्व स्थली का भी बड़ा योगदान हो, 200 कमल में एक कमल आप भी भेज दो। भेजोगे भाई, जरा जोर से बोलो भेजोगे मित्रों। ये दीदी को विदा करने की जो बात, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, बंगाल के जन जन की बात। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए एक कट मनी
की सरकार आप चाहते हैं क्या? जो चाहते हैं क्या? इस सिंडिकेट वाली सरकार चाहते हैं क्या? चाहते हैं? ये भतीजा कल्याण वाली सरकार चाहते हैं क्या? चाहते हैं? अरे मित्रों, ये तो वीर शहीद बटुकेश्वर दत्त की जन्मभूमि है, जन्मभूमि है। इसी भूमि ने बटुकेश्वर दत्त को जन्म दिया। मुझे बताइए मित्रों, आज वीर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के सपनों को पूरा करने के लिए ये दीदी की सरकार कुछ कर रही है क्या? कर रही है मित्रों? ये सरकार को निश्चित रूप से बदलना है। मैं आप बताना चाहता हूं मित्रों, अब तक 5 चरण का चुनाव हो चुका है दीदी, 5वें चरण के बाद काफी डिमोरलाइज हो गई है। कारण क्या है? 5 चरण के बाद ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी 122 से ज्यादा सीटों के साथ दीदी से बहुत आगे है। और दीदी ने यहां पर एक गवर्नर का नया मॉडल चालू किया है। टीएमसी ने बम बंदूक और बारूद का मॉडल चालू किया है। हम बम बंदूक और बारूद के मॉडल को बदलना चाहते हैं और इसकी जगह विश्वास, विकास और व्यापार के मॉडल को लाना चाहते हैं, जिससे सोनार बांग्ला की रचना हो, सोनार बांग्ला की शुभ शुरुआत। पर विश्वास, व्यापार और विकास का मॉडल मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई नहीं ला सकता मित्रों, केवल मोदी जी ही ला सकते हैं। मित्रों, अभी अभी दीदी का एक वीडियो ऑडियो बार आया है, आप लोगों ने सुना है? सुना है? इसमें दीदी कहती है जो 4 मारे दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, इनके अंतिम संस्कार मत करना, उनके मृतदेह को ट्रक में लादकर मुझे जुलूस निकालना है, जुलूस निकालना है। अरे शर्म करो दीदी, शर्म करो। जो लोग मारे गए उनके सब पर आप राजनीति करना चाहती हो? इतनी निकृष्ट राजनीति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी है। वो कहती है बंगाल पुलिस के एसपी और आईजी को फिट कर देना है, फिट। दीदी कब तक ये फिट करने की राजनीति करोगी? बंगाल की जनता ने आपको ही फिट कर दिया है मित्रों। बंगाल के अंदर 3 प्रकार के सिटीजन रहते हैं, 3 प्रकार के नागरिक। पूरे देश भर में एक समान नागरिक रहते हैं, बंगाल 3 प्रकार के नागरिक रहते हैं। एक तो दीदी के प्रिय है, वो घुसपैठिए रहते हैं। मुझे बताओ भाई, बंगाल में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ऐसे बोलते हैं क्या? मुझे बताओ वर्धमान वालों, पूर्वस्थली वालों, बंगाल में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ये दीदी रोक सकती है क्या? कांग्रेस रोक सकती है क्या? कम्युनिस्ट रोक सकते हैं क्या? अगर बंगाल को घुसपैठ से कोई बचा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है, और कोई नहीं बचा सकता। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, 1-2 मई को कमलपुर की सरकार बना दो,
पड़ोस सरहद बॉर्डर से इंसान क्या घुसपैठ के लिए परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा मित्रों, परिंदा भी एक घुसपैठ ये मेरे बंगाल के युवाओं की रोजगारी ले जाते, बंगाल के गरीबों का चावल ले जाते और बंगाल के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़, एक घुसपैठ को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और दूसरे एक तो घुसपैठिए रहते हैं, एक मैं और आप जैसे आम नागरिक रहते हैं जिसको सेकंड ग्रेड सिटीजन का दर्जा मिला हुआ। मुझे बताओ भाई बहनों, पूर्व स्थली वालों बताओ, बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन, दुर्गा पूजा बेरोक टोक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये दीदी के राज में दुर्गा पूजा के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन करनी पड़ती है। सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के दिन बेरोक टोक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप सरस्वती पूजा भी नहीं कर सकते क्योंकि दीदी की वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मैं बताता हूं, मेरे और आपके जैसे लोग बंगाल में सेकंड ग्रेड सिटीजन आते रहते हैं, हम दो राज्य के नागरिक हैं, हमारी प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि हम दीदी के वोट बैंक नहीं है। मगर मैं कहता हूं मित्रों, 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, दुर्गा विसर्जन को कोई माइका लाल रोक नहीं पाएगा। और एक तीसरी भी कैटेगरी है भाई, हमारे शरणार्थी जो आए हैं मतवा समाज के, नाम शूद्र समाज के, उनको नागरिकता ही नहीं है। 70 साल हो गए दीदी, वो गरीब मतवा समाज के घर में जाकर, उसकी झोंपड़ी में जाकर उसकी स्थिति देखिए, नागपुत्र समाज के मेरे भाई की स्थिति देखिए, वो कुछ नहीं कर सकता। 3-3 पीढ़ी से उनको नागरिकता नहीं मिली है। मित्रों, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जो लिए मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हम सीए आए नागरिकता देने के लिए, दीदी कहती है कि मैं सीए को बंगाल में होने नहीं दूंगी। अरे दीदी, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। 2 मई को आपकी विदाई निश्चित है, अब आप रोक नहीं सकती। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और सारे लोगों को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, ये तीनों प्रकार के नागरिकों को एक समान ट्रीटमेंट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, दीदी के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। 12 मिनट भाषण करती है, 10 मिनट मोदी जी को और मुझे गालियां बोलती है और 2 मिनट इस सीएपीएफ वालों को गाली निकालती है। बंगाल के लिए उनके पास 1 मिनट भी नहीं है और मुझे तो बाहरी 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 कर देती है। भाई मुझे बताओ, देश के प्रधानमंत्री और मैं देश का गृह मंत्री हूं, बंगाल के लोगों से मैं बात कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? आपको पसंद है या नहीं है बताओ भाई। दीदी, माताएं, बहनें बताएं, पसंद है? अबे ममता दीदी हमें बाहरी कहती है। ममता दीदी,
बंगाल की जनता को गुमराह करती हो। मैं बताने आया हूं पूर्वस्थली वालों कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल का ही धरती पुत्र बनेगा, यहां का ही व्यक्ति बनेगा। हम तो आपकी विदाई के लिए आए हैं, यहां राज करने के लिए नहीं आए हैं। मगर भाई देखो, दीदी की विदाई निश्चित है, मगर दीदी बड़ी नेत्री है, आप पसंद हो या ना हो, बड़ी नेत्री है, 10 साल बंगाल की मुख्यमंत्री है, पूरा देश दीदी जानता है। दीदी की विदाई तो निश्चित करो, मगर बड़ी नेत्री की विदाई करनी है तो विदाई नाम धूम के साथ करो, शान के साथ। अब शान के साथ विदाई करनी है, नेता जितना बड़ा होता है उसको विदाई करने का मार्जिन उतना ही बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नंदीग्राम वाले ने तो उनको विदाई कर दिया है, मेरी बात मानकर चलो, शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में चुनाव जीत रहे हैं। मगर पूरे बंगाल में उनको विदाई करना है तो 200 से ज्यादा सीटों के साथ, धाम धूम के साथ, दीदी की शान के अनुरूप 200 से ज्यादा सीटों के साथ विदाई करना। भाइयों, 200 से ज्यादा सीटों के साथ। मित्रों, अभी अभी दीदी की एक नेत्री है मंडल जी ने कहा, ये सारे दलित जो होते हैं ना वो भीख मंगा होते। अरे दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। दलित समाज के भाइयों को गले लगाने की जगह एक टीएमसी वाले उनको भिखारी कह रहे हैं, और दीदी आप उसका खंडन नहीं करती हो, आप क्या चाहती हो? ये नमोसूत्र समाज के भाई, ये मतवा समाज के भाई, ये राजवंशी समाज के भाई भिखारी है क्या? बताओ भाई, भिखारी है? इनका अपमान कर दीदी आप क्या जताना चाहती? तृणमूल कांग्रेस वाले सुन ले, बंगाल का हर दलित भाई, चाहे वो राजवंशी समाज का हो, मतवा समाज का हो, नाम शूद्र समाज का हो, हमारे है उसको हम गले लगाकर सम्मान देंगे, गले लगाकर सम्मान देंगे। मित्रों, यहां इतनी सारी माताएं बहने बैठी हैं, भाई बेटी को पढ़ाते हो हाई स्कूल में, कॉलेज में, हायर सेकेंडरी में, आपको फीस देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती है? बताओ बहनों, देनी पड़ती है ना? जरा जोर से बोलो, देनी पड़ती है ना? 2 मार्च को भाजपा सरकार बना दो, पूरे बंगाल में केजीसी तक बच्चियों की पढ़ाई लिखाई मुफ्त सरकार की ओर से कर दी जाएगी। ये सारी दीदी बैठी हैं यहां पर, माताएं बहनें बैठी हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, टिकट लेनी पड़ती है ना? लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है? लेनी पड़ती है ना? आप 2 मई को कमल फूल की सरकार बना दो, सभी माताओं बहनों को टिकट लेने की जरूरत नहीं है, आपकी यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी जाए। सबके घर में, गरीबों के घर में शुद्ध पीने का पानी 2022 के पहले नल से शुद्ध पीने का पानी नरेंद्र मोदी जी पहुंचाने वाले हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी, मुझे एक बात बताओ भाई, मोदी जी ने एक योजना लाए, वो योजना के तहत देश के 7 करोड़ गरीबों को घर में किसी की भी बीमारी आए तो 5 लाख तक का सारा खर्चा
मोदी जी देते हैं, दिल का दौरा पड़ जाए, किडनी बदलानी हो, चाहे लकवा जाए, चाहे कैंसर हो जाए, ये सबको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बंगाल वालों को मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये दीदी रोक कर बैठ गई है। हमने तय किया है, हमारी पहली ही कैबिनेट में, दो के बाद पहली ही कैबिनेट में बंगाल भर के गरीबों का 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा माफ कर दिया जाएगा, वो नरेंद्र मोदी सरकार। भाइयों, मोदी जी देश के हर किसान को प्रति साल 6,000 रुपया भेजते हैं, 3 साल से भेजते हैं 18,000 रुपया देश के हर किसान को मिला, बंगाल में नहीं मिला। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? दीदी रोक कर बैठ गई है। वो कहती है कि मोदी का पैसा नहीं चाहिए। अरे दीदी, ये मोदी जी का पैसा नहीं, ये पैसा बंगाल की जनता का पैसा है, आप काहे को उनको नहीं देती हूं? मगर बंगाल के किसानों, आप चिंता मत करो, 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 5 मई को हर एक के बैंक अकाउंट में 18,000 रुपया मोदी जी दिल्ली से ट्रांसफर कर देंगे। मुझे बताओ, इतने सारे युवाएं भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, क्या आपको रोजगारी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलो, रोजगारी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बंगाल का युवा आज रोजगारी के लिए बंगाल के बाहर जा रहा है। हमने तय किया है कि 5 साल के अंदर हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। मित्रों, मुझे बताओ कि आप सभी लोग यहां पर हैं, गाय तस्करी पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? एक गौ की तस्करी होती है, उस पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? मैं आपको कहता हूं, 2 मई को सरकार बना दो, एक भी गाय सरहद के बाहर नहीं जाएगी मित्रों, एक भी गाय। हाँ, 1,000 करोड़ के फंड के साथ बंगाल में अमूल के तर्ज पर श्वेत क्रांति की शुरुआत करेंगे। पशुओं को संभालने के लिए पशुओं का बीमा लेने का काम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, और ये जूट उद्योग जो बंद पड़ा है उसको भी मॉडर्नाइज करेंगे, जूट के नए बीज ढूंढकर किसान का उत्पादन बढ़े, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। और मित्रों, चैतन्य महाप्रभु सर्किट बनाकर कीर्तन करने वालों को 3,000 रुपये का भत्ता देकर भगवान चैतन्य महाप्रभु को चिरंजीव बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। मित्रों, अंत में मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, हर बार आप वोट देने जाते हो, ये दीदी के गुंडे परेशान करते हैं ना आपको, करते हैं या नहीं करते हैं? माताएं बहनें बताओ, करते हैं या नहीं करते हैं? मैं आपको कहता हूं, 22 तारीख की सुबह 7 बजे वोट देने निकलो, दीदी का कोई गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, आपको परेशान नहीं। 5 दिन हुए, दीदी के गुंडे कुछ नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए दीदी बौखलाई हुई है, बौखलाई हुई है। देखना कैसे बोलती है, जैसे
जैसे कोई महिला किसी के साथ झगड़ा लगाती हो, इतना गुस्सा आ गया है। अरे दीदी, दिमाग थोड़ा ठंडा रखो, ठंडा रखो। दो नजदीक आ रही है, आपको जाना है। और मित्रों, उनके पैर में प्लास्टर आ गया है। मैं तो हर रोज भगवान को प्रार्थना करता हूं कि 2 मई के पहले दीदी का पैर ठीक हो जाए। हो जाएगा, इसलिए ठीक होना चाहिए कि जब गवर्नर साहब को वो इस्तीफा देने जाए तो अपने पैर पर चलकर इस्तीफा देने जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, इस सोनार बांग्ला का स्वप्न जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो देखा है, वो ही हमारे बंगाल को समृद्ध और सुरक्षित करने का मार्ग है। मित्रों, आप लोगों ने 30 साल कांग्रेस को मौका दिया है, 30 साल तक कांग्रेस को मौका दिया है और 10 साल तक दीदी को मौका दिया है। मुझे बताओ, बंगाल का विकास हुआ है क्या? हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है। 5 साल नरेंद्र मोदी जी को मौका दे दो, 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको वापिस देंगे। मुझे माता भाई बहनों बताओ, गोवर्धन जी आ गया ये, अब हमारे डॉक्टर गोवर्धन जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? जोर से बोलो, जिताओगे? इनको विधायक बनाकर भेजोगे? भाजपा सरकार बनाओगे? घुसपैठियों को रोकोगे? सनातनियों को नागरिकता दोगे? और मित्रों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे? देखो, हाँ रहे हो, कमल के निशान पर बटन तो जरूर दबाना है, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहां वर्धमान के पूर्व स्थली में दबे और करंट दीदी को कलकत्ता में लगे। दबाए क्या? पक्का? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। है गाड़ी में स्वराष्ट्र मंत्री माननीय अमित शाह जी के पूर्वस्थली उत्तर विधानसभा केंद्र पक्ष থেকে আমরা ওনাকে জানাই গৌরিক অভিন With coronavirus cases going up and rising exponentially, there's been a lot of focus, a lot of criticism that political leaders have been facing over their rallies in Bengal. And Rahul Gandhi is now tweeted saying that he's suspending all of his rallies in Bengal, keeping in mind the pandemic and the situation. In his tweet, he's also advised other political leaders to think about the consequences of holding election rallies in such circumstances. So he's urged other political leaders to follow his lead, to go ahead and cancel all